जयशंकर हत्याकांड की जांच करने पहुंचे आईजी और एसएसपी। जयशंकर झा हत्या मामले में 48 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि घटना को गंभीरता से लेते हुए मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी ललन मोहन प्रसाद और एसएसपी अवकाश कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। एसएसपी ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। पुलिस के द्वारा अपराधियों को अब तक नहीं पकड़ने को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। एसआईटी की टीम समस्तीपुर सहित कई जिलों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर छापेमारी करने में लगी है। एसएसपी ने कहा कि अपराधियों का कुछ डिटेल मिला है, वहीं संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। बहुत जल्द ही लूट और हत्या मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बता दें कि बुधवार को रेडियन कंपनी के कैशियर जयशंकर चौधरी को लहरियासराय समस्तीपुर मार्ग के फ्रेंड्स कॉलोनी के पास गोली मारकर 12,31,000 रुपए लूटकर अपराधी समस्तीपुर की ओर भागे थे। हत्या के विरोध में बुधवार की शाम सभी दुकानों को बंद करवाकर लहरियासराय टावर को जाम कर दिया था। हत्या के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और जन अधिकार पार्टी के संस्थापक राजेश रंजन और पप्पू यादव सांतावना दी है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक सुभाष मार्केट लंगर टोली चौराहा पटना।